कुछ दिनों पहले की बात है, शहर से एक लाल रंग की कार चोरी हो गई थी और कहा जा रहा है कि उसे एक मॉन्स्टर उठाकर लेकर चला गया है। पुलिस आज भी उस कार का पीछा कर रही है, लेकिन अभी तक वो चोर पकड़ा नहीं गया है। पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर गाड़ी के अंदर होगा। पुलिस ने ये सोच लिया है कि जिसने भी गाड़ी की चोरी की होगी उसे पुलिस वाला छोड़ेगा नहीं। पुलिस वाला उस कार की पीछा कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो लाल रंग की कार एक साइड में जाने लग जाती है और सामने में एक घर होता है। ये उधर क्यों जा रही है? पुलिस वाला भी उसका पीछा करते ही जा रहा है। थोड़ी देर में लाल रंग की कार एक जगह पे आकर रुक जाती है और अचानक से उसके अंदर से एक रेड मॉन्स्टर निकलता है। अरे ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि बाबा से काफी बार मार खा चुका है। और थोड़ी देर में पुलिस वाला उसे उछल कर एक कीक मार देता है और ये रेड मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। रेड मॉन्स्टर के गिरने के बाद पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि उसने कुछ बड़ा काम किया है। तभी पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है और तभी अचानक से पुलिस वाले के पास कुछ आने लग जाता है। अरे ये क्या, पुलिस वाले को तो किसी ने गोली मार दिया है, लेकिन किसने इसे गोली मारा होगा? ओ माय गॉड, यहाँ तो बनी आ चुका है और बनी नहीं पुलिस वाले को AWM से मार रहा है। लेकिन बनी ने ऐसा क्यों किया? शायद बनी कोई खतरनाक आदमी है और ये लोगों को मारता है। ये सारा हादसा होने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ से सारा कोई गायब हो जाता है। यहाँ पर एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है, सारे लोग कहाँ चले गए? अरे ये क्या, पास में ही एक छोटा सा घर है, इस घर में आखिर कौन रहता होगा? और उस रेड मॉन्स्टर का क्या हुआ होगा? वो तो मरा भी नहीं था और पुलिस वाला का तो मौत हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर बनी का हो और बनी ही इसमें रहता हो? ओ माय गॉड, इस घर के अंदर ही रेड मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और पास में ही वो पुलिस वाला पड़ा हुआ है और पुलिस वाले के आसपास काफी सारा मीट पड़ा हुआ है। सारे मीट को आखिर यहाँ किसने रखा है? कहीं बनी इन सारे मीट को खाता तो नहीं है? अगर बनी ऐसा करता होगा तो वो पुलिस वाला और मॉन्स्टर को भी खा जाएगा। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रहे हैं और गुल्ली बुल्ली उसी रास्ते से शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं जिस रास्ते में सारा हादसा हुआ था। गुल्ली बुल्ली को ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और गुल्ली बुल्ली के साथ सोन भी है और अभी गाड़ी सोन ही चला रहा है। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली को वो लाल रंग की कार और पुलिस की कार दिखाई देती है। गुल्ली बुल्ली को थोड़ा शक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और थोड़ी देर में सोन वहीं पर गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी को रोकने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन उसी तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ दोनों कार खड़ी थी और सामने में ही एक बड़ा सा घर था और पास में ही पुल था। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुमने गाड़ी क्यों रोका है? क्या तुमने कभी पुलिस की गाड़ी नहीं देखा है जो तुम यहाँ पर गाड़ी देखने में लगे हुए हो? चलो गाड़ी को स्टार्ट करो और हम लोगों को मॉल भी जाना है, बुल्ली कहता है। हाँ गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, जल्दी चलो मॉल बंद हो जाएगा। इतने में ही सोन कहता है, अरे मैं वो सब नहीं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। बुल्ली की ये बात सुनते ही सोन गाड़ी को स्टार्ट करने वाला ही होता है कि तभी गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ दिखाई देता है और ये लोग दूसरी साइड देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बनी खड़ा है। गुल्ली बुल्ली और सोन के सामने बनी आ चुका है और पता नहीं अब बनी गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ क्या करने वाला है। बनी कहता है, तुम लोगों को कहाँ जाना है और आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्ली कहता है कि मुझे तो काफी जोर से भूख लगा है और मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लेते हैं। आसपास यहाँ कोई होटल है या नहीं? क्या कहते हो सोन, पहले शॉपिंग जाए या फिर होटल जाए? बुल्ली कहता है कि अरे सोन क्या बोलेगा, वो तो थप्पड़ के अलावा और कुछ खाता ही नहीं है, चलो हम लोग पहले होटल ही चलते हैं। बुल्ली की ये बात सुनते ही सोन को अपनी काफी भयानक बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। बनी कहता है कि अगर तुम लोगों को होटल जाना है तो तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं अपने घर तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। मेरे घर में काफी सारा खाने पीने का सामान है, मैं सारा कुछ तुम लोगों को दे दूंगा। तुम लोग खा पी कर आराम से शॉपिंग करने के लिए चले जाना और तुम लोगों को सारा खाना मैं फ्री में दूंगा। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है लेकिन मैं सचमुच में सारा कुछ फ्री में दूंगा। चलो एक बार मेरे घर चलो, उसके बाद ही तुम लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या होगा। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन को काफी अजीब लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश भी है क्योंकि सारा खाना फ्री में मिलने वाला है। गुल्ली कहता है कि सोन जल्दी से गाड़ी को मुड़ा और इसके घर की तरफ लेकर चलो। कहाँ है तुम्हारा घर बनी, जल्दी मुझे बताओ, मुझे तुम्हारा घर जाना है। तभी सोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके घर में पिज्जा और बर्गर होगा, मुझे तो वही खाना है। तभी बुल्ली उससे पूछता है कि क्या बनी तुम्हारे घर में पिज्जा और बर्गर है? हम लोगों को तो वही खाना है और हम लोग उसी के लिए ही तो होटल जाते हैं। तभी बनी कहता है कि तुम लोग एक बार घर तो चलो, तुम लोगों को वहाँ सब कुछ मिलेगा और तुम लोग तो खा उसी वक्त पाओगे ना जब तुम लोग बच पाओगे। मेरा मतलब है कि जब तुम लोग मेरे घर जाओगे तभी तो खा पाओगे। चलो अब गाड़ी को घर की तरफ लेकर चलो। इतना कहने के बाद बनी हंसने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ भी नहीं समझ में आता है और गुल्ली बुल्ली और सोन घर की तरफ जाने लग जाते हैं। ओह माय गॉड, अब गुल्ली बुल्ली और सोन बनी की जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन का अब क्या होगा? कहीं बनी गुल्ली बुल्ली को भी काट कर खा ना जाए। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन पुलिस की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी को रोकते हैं और फिर पीछे पीछे बनी भी उन लोगों के पास आने लग जाता है।
बनी काफी अजीब तरीके से चल रहा था। गुल्ली बुलियासन को ये देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर में बनी उन लोगों के पास आ जाता है और बनी कहता है कि चलिए सामने में ही मेरा घर है, यहाँ से हम लोग पैदल वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है कि जैसे जैसे मैं रास्ता बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को चलना है, गुल्ली कहता है। वो सब छोड़िए, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है कि आप सारा खाना फ्री में खिला रहे हैं, और आज के जमाने में ऐसा इंसान कहाँ मिलता है जो सारा खाना फ्री में खिलाए, और आप तो तीन तीन लोगों को अपना मनपसंद खाना खिला रहे हैं। मुझे तो ये सुनकर काफी मजा आ रहा है। और हाँ, आपके घर में तो पिज्जा और बर्गर भी है, जल्दी लेकर चलिए हमें अपने घर। सोन कहता है कि मेरे तो फेवरेट ही पिज्जा और बर्गर, आप अपना घर एक बार मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊंगा, और वैसे भी फ्री के खाने के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाता हूँ। बनी कहता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरा घर पास में ही है, एक बार तुम लोग पीछे मुड़कर देखो, कुछ दूर में ही एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा होगा जिसके खिड़की के अंदर लाइट जल रहा है, वही घर मेरा है और उसी में मैं रहता हूँ। गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही घर के तरफ देखते हैं तो गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन और बनी उधर जाने लग जाते हैं जिधर बनी का घर था। बनी का घर जाने के लिए गुल्ली बुल्ली और सोन को पुल के रास्ते होकर गुजरना होगा, क्योंकि वही रास्ता है बनी के घर जाने का। गुल्ली बुल्ली और सोन आज तो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को पहली बार कोई फ्री का खाना दे रहा है और सारा खाना गुल्ली बुल्ली का फेवरेट होने वाला है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये बात पता ही नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और सोन जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को ये भी पता नहीं है कि बनी के घर में AWM है और वो AWM से लोगों को मारता है। थोड़ी देर में ये लोग पुल के बीच में आ जाते हैं और थोड़ी देर में ये लोग बनी के घर के काफी करीब आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोच रहे होते हैं कि जो भी पिज्जा और बर्गर वाले पैसे बचेंगे वो सारे पैसे से गुल्ली बुल्ली अपने लिए कपड़े खरीद लेंगे। ये सब सोचते सोचते थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन बनी के घर के पास आ जाते हैं। बनी कहता है कि आप लोग यहीं पर रुके रहिए, मेरा घर काफी गंदा है, मैं उसे साफ करके आता हूँ। बनी की ये बात सुनते ही सोन कहता है कि हाँ जरूर, आप जल्दी जाइए घर को साफ कीजिए, वैसे भी हम लोगों को काफी जोर से भूख लगा है। ये बात सुनते ही बनी वहाँ से दूर अपने घर के अंदर जाने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली और सोन उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से बनी अपने घर को साफ कर देगा। तभी सोन कहता है कि गुल्ली बुल्ली मैं इसके घर जा रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका घर कितना गंदा है और ये कैसे साफ कर रहा है। गुल्ली कहता है कि हाँ सोन, जल्दी जाकर देखो और थोड़ा सीख भी लेना। ये बात सुनते ही सोन घर के अंदर जाने लग जाता है और गुल्ली और बुल्ली उसे देखते रह जाते हैं। लेकिन सोन घर के अंदर अकेला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बनी उसे अकेले देखकर घर के अंदर ही मार डाले, पता नहीं क्या होने वाला है। गुल्ली बुल्ली को अंदर इधर काफी अजीब भी लग रहा था। थोड़ी देर में सोन घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आते ही सोन इधर उधर देखने लग जाता है और सोन पास में ही सारे लोगों को देख लेता है, वो भी मरा पड़ा हुआ। सोन ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाता है और सोन अपने सामने बनी को देखता है जो कि कुछ काम कर रहा होता है, और तभी अचानक से सोन को AWM दिखाई देता है और सोन तुरंत ही AWM को उठा लेता है। और AWM को उठाने के बाद सोन बनी की तरफ देखता ही जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बनी क्या करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर में सोन सारा कुछ समझ जाता है कि ये बनी कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई दानव है और ये इंसानों का मीट खाता है। और सोन AWM को देखकर ये भी समझ जाता है कि ये लोगों को AWM से ही मारता है, उसके बाद ही उसे खा जाता है। ये सब सोचने के बाद सोन वहाँ से दौड़ लगा देता है और सीधा गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ जाने लग जाता है। सोन को इस तरह आते देखकर गुल्ली बुल्ली को काफी फनी लगता है, क्योंकि सोन AWM को जूम करते हुए आ रहा था, वो भी काफी तेज से दौड़ते हुए। गुल्ली बुल्ली और सोन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोन ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही सोन गुल्ली बुल्ली के पास आता है तभी गुल्ली कहता है कि अरे सोन, तुम खिलौने को लेकर क्यों दौड़ रहे हो और तुम्हें अंदर ये कहाँ मिला और क्या बनी ने इसे तुम्हें दे दिया है। सोन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये नकली नहीं है, असली है, तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये बात सच है। गुल्ली कहता है कि अरे सोन, मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि ये नकली गन है, असली होता तो तुम इसे उठा भी नहीं पाते क्योंकि असली वाला काफी भारी होता है और असली वाला गन से तो लोग मर भी जाते हैं, इसलिए असली वाला गन अगर ये है भी तो चुपचाप इसे दूर में रख दो, कहीं गलती से ये चल ना जाए, और अगर ये गलती से चल गया तो हम तीनों में से कोई एक लुढ़क जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये असली गन है ही नहीं, है ना सोन। अरे सोन, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो। ये बात सुनते ही सोन कहता है कि अरे मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, मैंने अंदर काफी भयानक भयानक चीज देखा है, तुम लोगों को मैं सारा कुछ बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये असली गन है और ये काफी भारी भी है और मैं इसे उठाकर दौड़ भी सकता हूँ। गुल्ली कहता है कि अंदर तुमने क्या देखा मुझे ये बताओ। गुल्ली कहता है कि हाँ सोन, मुझे भी यही पूछना है कि अंदर तुमने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर तुम इतने ज्यादा डर रहे हो, कहीं घर के अंदर कोई भूत तो नहीं है। ये बात सुनते ही सोन काफी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ मजाक ही सूझ रहा है, अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है, जल्दी से बाबा को बुलाओ। और हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करो। गुल्ली कहता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग बाबा को बुला ही लेते हैं। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि जल्दी से गुल्ली बाबा के पास फोन लगाओ, अगर बाबा यहाँ आसपास में होंगे तो बाबा यहाँ तुरंत ही आ जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, मैं बाबा के पास फोन लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद गुल्ली तुरंत ही बाबा के पास फोन लगा देता है और बाबा तुरंत ही फोन को उठा लेते हैं। और फिर गुल्ली सारी बातें बाबा को बताने लग जाता है
और गुल्ली कहता है कि जल्दी से बाबा पूल वाले घर के पास आ जाइए, हम लोग तीनों यहीं पे खड़े हैं। और सोन के हाथ में एक AWM है और वो AWM असली है। और सोन ये भी कह रहा है कि घर के अंदर कुछ लफड़ा है और यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, बाबा आप जल्दी आ जाइए वरना हम लोगों को बनी मार डालेगा, इस घर के अंदर बनी रहता है। तभी बाबा काफी गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं इस शहर में हूँ ही नहीं और मैं वैसे भी तुम लोगों को अब नहीं बचाऊंगा। गुल्ली कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, लेकिन तभी बाबा फोन को काट देते हैं। गुल्ली जैसे ही फोन को रखता है तभी बुल्ली कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बाबा यहाँ नहीं आ रहे हैं और आखिर हुआ क्या। तभी गुल्ली कहता है अरे परेशानी की ही तो बात है क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं और वैसे भी बाबा काफी गुस्से में लग रहे हैं। और हाँ बुल्ली, मुझे तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा और बाबा हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाबा के साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ है, हम लोगों को बाबा के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बाबा कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। ये बात सुनते ही सोन कहता है कि अरे यहाँ से निकलने से क्या फायदा होगा, वैसे भी हम लोगों के हाथ में AWM है और हम लोग AWM से उस बनी को मार सकते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बात करने में लगे हुए ही थे कि तभी अचानक से गुल्ली बुल्ली और सोन को बाबा की बाइक की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन आखिर उधर कौन आ रहा है, कहीं बाबा तो यहाँ नहीं आ गए। ओ माय गॉड, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं और बाबा की एंट्री काफी भयानक हुई है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश हो जाते हैं और बाबा ने आखिर झूठ इन लोगों से क्यों कहा था। गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को देखकर खुश तो हो ही रहे थे लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन अंदर ही अंदर काफी परेशान भी हो रहे हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बाबा ने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर में बाबा इन लोगों के पास आ जाते हैं और वहां आने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को देखने लग जाते हैं और फिर इन लोगों से कहते हैं कि मैंने सारा कुछ मजाक किया था, मैंने सोचा कि आज कुछ मजाक कर लिया जाए और इसलिए मैंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे तुम लोग काफी ज्यादा डर जाओ और मैं यहीं पर आसपास ही घूम रहा था इसलिए मैं यहाँ तुरंत आ गया। बुल्ली कहता है कि क्या बाबा आप भी क्या क्या मजाक करते हैं, हमारी तो आपने जान ही निकाल दी थी, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। बाबा कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग कोई मुसीबत में फंसे हो और मैं बचाने के लिए ना आ पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो बनी कहाँ है, मुझे उसे मारना है। बाबा की ये बात सुनते ही बुल्ली तुरंत ही मुड़कर कहता है वो देखिए घर के अंदर ही बनी बैठा होगा। तभी बाबा कहते हैं ठीक है तो फिर अब तुम लोग यहीं पे खड़े रहो और मेरा कमाल देखो। ये कहते ही बाबा अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और घर के अंदर लेकर जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो सीधे बनी को ठोक दिया है और बनी तुरंत जमीन में गिर जाता है। और बनी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाड़ी से ठोकने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी बाबा गाड़ी से उतर जाते हैं और बाबा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक दानव हो जो कि लोगों को मारते हो और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। बाबा की ये सारी बातें सुनकर बनी तुरंत ही उठकर खड़ा होने लग जाता है और बनी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से चुपचाप निकल लो, तुम्हें तो सचमुच में नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं एक किलर हूँ और ऐसा वैसा किलर नहीं, मैं एक हेडशॉट किलर हूँ और मैं लोगों को हेडशॉट मार देता हूँ जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो बात अलग है कि कभी कभी हेड नहीं लगता है लेकिन लोगों को मैं मार जरूर देता हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लो वरना मैं तुम्हें भी हेडशॉट मार दूंगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही बाबा को काफी गुस्सा आ जाता है और बाबा उसे एक किक मार देते हैं जिससे वो तुरंत ही जमीन में गिर जाता है और फिर बाबा इसके साथ काफी बुरा करते हैं, बाबा इसे खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और ये सीधा जमीन में आकर गिर जाता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाबा इसे ऐसे कहाँ छोड़ने वाले हैं, बाबा इसके साथ और भी कुछ करते हैं। ओ माय गॉड, बाबा तो खिड़की के ऊपर से इसके ऊपर ही कूद गए और अब तो इसकी पूरी जान निकल ही चुकी है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन तुरंत ही पुल के नीचे आ जाते हैं और फिर बाबा के पास आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश हो चुके हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को पता चल चुका है कि बाबा ने इसे मार दिया है और इसकी मौत हो ही चुकी है। गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही बाबा के पास आते हैं तभी गुल्ली कहता है अरे वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, चड्डी फाड़ के रुमाल कर दिया, कैसी लगी मेरी शायरी बाबा मुझे बताइए। ये शायरी सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं शायरी तो काफी बढ़िया थी, मुझे तो काफी हंसी आ गई, लेकिन वो सब छोड़ो, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, चलो हम लोग घर चलते हैं क्योंकि यहाँ रुकना ज्यादा देर सही नहीं है। बाबा की ये बात सुनते ही सोन कहता है हाँ बाबा मुझे भी घर ही जाना है। और सोन ये भी कहता है कि अब हम लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। ये बात सुनते ही बाबा कहते हैं अच्छा वो सब छोड़ो, अब चलो चुपचाप घर चलते हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी है। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन और बाबा घर जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन अब शॉपिंग करने नहीं जाएंगे क्योंकि काफी रात हो चुकी है और अब ये लोग शॉपिंग करने के लिए कल सुबह में जाएंगे। लेकिन वो रेड मॉन्स्टर का क्या हुआ होगा, उसकी तो मौत भी नहीं हुई थी, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है या फिर वो अभी तक जिंदा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें।